और चलिए बात करेंगे विदिशा में। यहां पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने अनोखा ही प्रदर्शन करते हुए जनता को जगाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि पूर्व युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष विवेक ठाकुर और साथ ही उनके साथियों ने हाथों में देश के विभिन्न सरकारी उपक्रम, रेलवे, हाईवे, अड्डा, हवाई जहाज, बंदरगाह, दूर संचार, रेल सहित अन्य चीजों को यहाँ पर बेचने का विरोध करते हुए बीजेपी की सरकार को आड़े हाथों लिया। केंद्र की मरोदी सरकार का भी जमकर विरोध किया और नारेबाजी की। युवा नेता विवेक ठाकुर ने यहाँ पर कहा है कि बीजेपी की मोदी सरकार देश के सभी उपक्रमों को निजी हाथों में बेच रही है, जिनमें यहाँ पर कई विदेशी खरीदार भी हैं और अडानी अंबानी को भी यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया जा रहा है। लगातार निजीकरण के चलते इसका सीधा सा असर आम जनता पर भारी पड़ेगा। विवेक ठाकुर, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष माननीय हमारे कमलनाथ जी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के निर्देश अनुसार हम भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है निजीकरण करने का, उसका आज हमने नीमताल चौराहे पर पुरजोर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के जो इतिहास के संसाधन हैं उनको बेचा जा रहा है, आम जनता की आवाज़ जो है वो दबाई जा रही है। आप देखिए, एक एक चीज़ जो है वो बेची जा रही है। तो हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग कुछ बोलिए, इसका विरोध कीजिए। यदि आप विरोध नहीं कर सकते तो बोलिए, बोल नहीं सकते तो आप लिखिए, किसी तरीके से अपनी बात रखिए, विरोध करिए। नहीं तो भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा कि आप और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा और ये पूरा देश बिक जाएगा। कौन बेच रहा है? देखिए, ये बेचने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे बेचने का काम कर रही है। एक एक चीज़ जो है, रेलवे से लेकर स्टेडियम से लेकर हर चीज़ को जो है निजीकरण करने जा रही है। अडानी और अम्बानी जो हैं वो मालामाल हो रहे हैं।